हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम करेंगे आईफोन 12 का BGMI टेस्ट। बताऊंगा आपको कि आईफोन 12 में आपको कैसी गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी अगर आप आज के डेट में आईफोन 12 लेते हो तो। जानता हूं काफी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, जैसे कि हीटिंग इशू देखने को मिलेंगे या नहीं, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे या नहीं, लैग्स वगैरह देखने को मिलेंगे या नहीं, बैटरी बैकअप कैसे देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस फोन के थोड़े से डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ कि इस फोन में आपको 6.1 इंच की सुपर रेटिना एचडीआर डिस्प्ले देखने को मिलती है। कलर्स वगैरह आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेंगे देखने में। तो जब भी आप गेमिंग वगैरह करोगे तो उस टाइम पे आपको कलर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, तो उस टाइम आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस फोन में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन फीलिंग आपको 60Hz के पैनल से काफी ज्यादा अच्छी आएगी, खासकर गेमिंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मक्खन की चलता है। तो 60Hz का रिफ्रेश रेट है तो ये सोच के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस फोन से। अब बढ़ते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस फोन में आपको एप्पल का A14 बायोनिक चिप देखने को मिलता है और 4GB की रैम देखने को मिलती है। एप्पल का A14 बायोनिक चिप बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो अगर आप BGMI या फिर COD वगैरह खेलना चाहते हो हाई ग्राफिक सेटिंग में भी, आप बिना किसी लैग्स वगैरह के इजीली खेल पाओगे फोन में। ग्राफिक सेटिंग की बात करो तो इस फोन में आपको स्मूथ में एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम में आपको अल्ट्रा HD में अल्ट्रा तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्ट्रा HD की। तो अल्ट्रा HD में ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं देखने में, जो कलर्स रहते हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, डिटेल्स भी बहुत ही ज्यादा आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ चलती है बिना किसी लैग्स, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह के। बट मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस की जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा। अल्ट्रा HD में जब मैंने गेम प्ले स्टार्ट किया तो जो पहला 3-4 सेकंड था ना, वो मुझे थोड़ा सा लैगी लगा। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हो सके पूरे गेम प्ले में मुझे ऐसे ही मुझे लैग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड लैग्स को छोड़कर पूरे गेम प्ले में मुझे कहीं भी माइनर लैग्स तक देखने को नहीं मिला इस फोन में। तो ये बात मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया बात लगी। और गेम प्ले 60fps में ही रन करती है तो डेफिनेटली आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाली है अगर आप अल्ट्रा HD में गेम प्ले करते हो तो। Reloading! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time. The blue team is unstoppable! अब स्मूथ एक्सट्रीम की क्या ही बात करना, जो फोन अल्ट्रा HD में भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहा है तो वो कैसा ही एक्सपीरियंस देगा स्मूथ एक्सट्रीम में। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही होती है गेम्स। और पर्सनली मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है आईफोन 12 में, अगर आप गेम प्ले वगैरह करते हो तो कभी ऐसा रेयर ही केस होगा इन फ्यूचर कि आपको रेयर ही केस में फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिले, वो भी माइनर। अब बात आ जाती है कि गेमिंग के टाइम पे आपको बैटरी बैकअप इस फोन में कैसी देखने को मिलेगी। मैंने टेस्ट किया तो अल्ट्रा HD में मुझे
आधे घंटे की गेम प्ले में 9% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला और स्मूथ एक्सट्रीम में मैंने आधे घंटे की गेम प्ले की तो उसमें मुझे 6% की बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। तो उस बेसिस पे आप कैलकुलेशन खुद ही कर लो कि आपको कितनी देर गेम्स खेलनी है और आपको कैसी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी इस फोन से। आई होप आप लोग लगभग समझ गए होंगे। और हीटिंग की बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया बीजीएमआई और गेम प्ले करना स्टार्ट किया तो उसके 4-5 मिनट के बाद से ही फोन वार्म होने लग जाती है, जिसकी टेम्परेचर ज्यादा नहीं जाती है, बस नॉर्मल वार्म हो जाती है, जो कि मुझे कंटिन्यू 30 मिनट तक देखने को मिली है। हीटिंग नहीं बोल सकता क्योंकि वैसे भी हीट नहीं थी, नॉर्मल बस वार्म हो जाती है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, फोन में आपको हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं मेन कंक्लूजन पर कि क्या आपको आईफोन 12 गेमिंग पर्पस से लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप एक गेमर हो तो मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है मेरे बेसिस पे आपको डेफिनेटली आईफोन 12 लेना चाहिए। अगर आप गेमिंग पर्पस से लेना चाह रहे हो आईफोन तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक की ड्रॉप देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी इसकी परफॉर्मेंस में। होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आपको आईफोन 12 लेना चाहिए गेमिंग पर्पस से या फिर नहीं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा तो उसे दबाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।